कि आपके गांव के, आपके बीच के, आपके क्षेत्र के संघर्षशील व्यक्ति जिनका संघर्ष में अपना जीवन जो आज तक का व्यतीत हुआ है, भाई अजय पहलवान जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसान यूनियन के संगठन जी का। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था, दादरी विधानसभा लगता है, और यहाँ पर किसान के तमाम जो लोग हैं किसान के साथ, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के तमाम वो पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। आज अजय पहलवान को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे और बात उनसे करेंगे और समझाएंगे कि आखिर तमाम जो संगठन है उसके बावजूद जो भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति जो संगठन है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, और अब ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उनका क्या स्टैंड रहेगा। अजय जी, आज पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आज आपकी ज्वाइनिंग हुई प्रदेश की जिम्मेदारी आपको मिली है और अब यूपी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, कितनी चुनौती मानते हैं आप? चुनौती तो हमारे सामने बहुत है, लेकिन मैं इस संगठन में किसान भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति में जो जुड़ा हूँ, मैं इसको अपने बेखूफी और बहुत ही मजबूती के साथ इस संगठन को आगे लेके चलूँगा, और कंधे से कंधा मिला के नौजवान साथियों के साथ लेके हर जगह आपके साथ खड़ा मिलूँगा, यही मेरा अपना विचार है और आगे पूरा इसमें अपना। बहुत से संगठन हैं ऐसे कि भारतीय किसान यूनियन के नाम से जो चल रहे हैं अलग अलग, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी मतलब एक नए संगठन की? फिर हमें अपने इस संगठन को मजबूत करना है, भारतीय किसान यूनियन के जो कृषक शक्ति वाला संगठन है उसको मजबूत करना है। हम अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि हम प्रदेश क्या, हम पूरे उसमें यूपी उत्तर प्रदेश में सबको, हम हर जगह क्षेत्र में, गाँव में, जिलों में, हर जगह इसको आगे ले जाएंगे। चुनाव के मद्देनजर कितना देखते हैं अब कैसा आगे, क्योंकि सरकार के साथ जो चुनाव हमारा, जो सरकार हमारे उसमें रहेगी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी हम उसके साथ हम रहेंगे, जो सभी का कार्यकाल किसान के साथ हम उनके साथ रहेंगे। यूपी में सभी की सरकारें रही, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सपा बसपा, क्या लगा आपको किसी सरकार से बात बन सकती है कांग्रेस अगर किसानों की? अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा, बाकी समय आगे बताएंगे उसको भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, अमन ठाकुर जी, उनसे भी हम बात करेंगे। अमन भाई, आप ये बताइए कि पहले तो मैं दो बात सीधी स्पष्ट आपसे करूंगा, आपका संगठन है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, ये सरकार के पक्ष वाला भारतीय किसान यूनियन है या जो सरकार के विरोध में है वो भारतीय किसान यूनियन है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस किसान पंचायत में आए और किसानों की आवाज़ को आपने उठाने का प्रयास किया है, तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो संगठन अभी तक के काम कर रहे हैं, एक संगठन को आप देख रहे होंगे वो पिछले 10 महीने 11 महीने से वो सड़कों पर बैठने का काम कर रहा है, एक संगठन है वो राजनीति की बात करता है, सरकार की बात करता है, हमारा क्लियर स्टैंड रहा है और हम लोग जो खड़े हुए हैं और किसान जो हमने संगठन बनाया है वो हमारा स्टैंड रहा है कि आज क्या है कि गांव गरीब और गांव की बात कोई नहीं करता। आप देख रहे होंगे मौजूदा किसान संगठन वो हवा हवाई बात ज़्यादा करते हैं, हम लोगों को ज़रूरत है अपने ब्लॉक के काम कराने की, अपने ज़िले के काम कराने की और उन तमाम मुद्दों पर काम करने की जो यहाँ के किसान हों, नौजवान हों, गरीब हों, वो जो गरीब तबका है वो अपनी बात को, अपनी आवाज़ को प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोगों का जो क्लियर स्टैंड रहा है वो रहा है कि हम गरीबों की और किसानों की आवाज़ को मजबूती से प्रशासन के साथ अवगत कराएं और एक ऐसा तालमेल बनाने का प्रयास करें कि प्रशासन भी किसानों का सहयोग करे और उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास भी रहा है। जैसे ग्रेटर नोएडा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं नौजवानों के, युवाओं के, जो यहाँ पे 250 किलोमीटर का वो बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, अभी ज्ञापन दिया है हमने यमुना प्राधिकरण में। तो आपका जो मेरा आपका जो प्रश्न था वो सही था कि दो संगठन किसानों के इस समय काम कर रहे हैं। देखिए, किसान आज बहुत तकलीफ़ में है, लगभग 11 महीने से वो किसान सड़कों पे है,
क्लियर स्टैंड रहा है हमारा, जो किसान की बात करेगा हमारा संगठन उसका सहयोग करेगा। और अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हम लोगों की रणनीति अभी तैयार होंगी और हम तमाम मुद्दों को ऐसे को काम करने का प्रयास करेंगे। जो पार्टी हमारी सुनेगी, जो सरकार हमारी सुनेगी, हम उसके साथ रहने का काम। पैरामीटर ग्राफ के अगर नज़रिए से देखें तो कांग्रेस सरकार भी रही, सपा भी रही, बसपा भी रही, बीजेपी भी आपने देखी, तो क्या अगर उस पैरामीटर के हिसाब से आप देख बताएं कि कौन सी सरकार थोड़ा सा मतलब किसानों के बारे में सोचती रही है या किसानों के लिए? देखिए, अगर ये सरकारें जो रही हैं ये किसानों के बारे में सोचती तो मैं नहीं समझता कि आज किसानों को इस तरीके से जूझना पड़ता। ये आप भी बखूबी जानते हो, चाहे कांग्रेस रही हो उन्होंने भी किसानों को लूटा है, बसपा रही हो, सपा रही हो, भाजपा रही हो, ये किसानों को छलने का काम इन्होंने किया है। मैं इस बात से बिल्कुल भी अपने आप को मैं सहमत नहीं कर सकता और मैं आपको भी नहीं बता सकता कि कौन सी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया। जितनी भी राजनीतिक पार्टी रही हैं वो किसानों को छलने का काम किया है। किसानों के साथ अगर ऐसा व्यवहार नहीं होता तो आज पेट्रोल की कीमतें 104 नहीं होती, डीजल 100 के पार नहीं होता। आज किसान अपने खेतों में सिंचाई करने में भी घबराता है, क्योंकि अगर 5 बीघे के अगर धान या कोई फसल अगर किसान पैदा कर रहा है तो उसके लिए उसके पास केवल कम से कम 50,000 रुपये होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इतना तो वो तेल का खर्चा कर देता है। आज जो महंगाई चरम पर है, ये सभी पार्टियों ने किसानों को छला है और मैं समझता हूँ कि आज तक केवल किसानों को बेवकूफ़ बनाने का राजनीतिक पार्टियों ने काम किया है। क्लियर स्टैंड हमारा रहा है, आपने सभा के माध्यम से भी सुना होगा। हम लोग अभी तय कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसानों की बात करती है, तब हम आगे की बात आप कौन सी वो बातें होंगी जो आप पार्टियों से चाहते हैं कि वो माने और फिर अपने एजेंडे में शामिल करें उनको? देखिए, बातें हमारे यहाँ के जो मौजूदा जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ के जो निजी व्यवसाय हैं किसानों के, आप देख रहे होंगे कि धान की कीमतें, एक समय धान की कीमतें 5,000 रुपये तक बिकती थी, आज वही धान की कीमतें घटकर 2,500 रुपये हो गई। महंगाई का जमाने का हवाला ये सरकारें हमको देती आई हैं। आप देख लीजिए, किसी भी खान पान की आप वस्तु को देखिए, सरसों का तेल 60 और 70 हुआ करता था, आज 180 और 190 रुपये लीटर बिक रहा है। आज पेट्रोल की कीमत कहाँ है? अगर हम सरकारों के साथ बैठकर ये वार्ता करते हैं और इनसे जवाब पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो इतनी महंगाई हुई है, तो इनका क्लियर स्टैंड रहा है कि देखिए, दिन बढ़ते हैं महंगाई बढ़ती है इस तरीके से। तो मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से, आपके माध्यम से, आप बहुत मजबूत एक पत्रकार हैं और बहुत स्पष्टता से अपनी बात को आप दिखाते हैं, तो मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये किसान के रेट क्यों कम हुए? जब टाइम बढ़ा और चीज़ें महंगी हुई तो केवल किसानों के ही रेट क्यों कम हुए? भाई 5,000 धान बिकता था तो कम से कम वो 8,000 बिकना चाहिए, अब वो बैक मार गया किसानों का जो फसल था और इनके इनके रेट बढ़ते गए। तो आप बता दीजिए कौन सी सरकार ने किसानों का साथ दिया है? ये भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति संगठन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये किसी भी पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। और हम तो लोग वही बात हुई कि वो तीनों कानून जो हैं और उसके साथ MSP की जो गारंटी है, वही आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर गारंटी होगी तो फिर रेट तय होगा सरकारी। देखिए, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बैठे हैं किसान 11 महीने से बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ और आप भी देख रहे होंगे कि राजनीतिक मोड़ देने की कोशिशें ज़्यादा हो रही हैं। किसानों का काम होता है एक जगह अपने स्टैंड के साथ बैठिए और वहाँ पे बात करिए, और वो कर भी रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा भंग फैलाने की कोशिश उन किसानों के बीच कर रही है। अभी आपने लखीमपुर खीरी में देखा होगा किस तरीके से हमारे लगभग 4-5 किसानों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और जो व्यक्ति केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को ये सरकार एक ऐसे जिम्मेदार यानी पद पर बैठाने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्टी को अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब यहाँ के किसान इस पार्टी को खदेड़ने का काम करने वाले हैं। ये मन बना चुके हैं सब लोग कि जिस तरीके से कांग्रेस को खदेड़ा था, कांग्रेस ने किसानों के साथ छलने का प्रयास किया, हम लोगों ने उसे उतारने का काम किया, और अब वो ही समय आ गया है। अगर ये भाजपा सरकार नहीं चेत आती और ये किसानों के समर्थन में नहीं आती तो हम लोग इसे उखाड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा आगे जाइए। एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया, प्रदेश अध्यक्ष जो आपके नवनियुक्त हुए हैं उन्होंने बता दिया, क्या कहेंगे अब किसानों की जो मूलभूत जो समस्या है उसका क्या निवारण कोई सरकार ऐसी है कि कर सकती है, कोई नेता ऐसे हैं जो वाकई दबाव बनाकर वहां पर कर सकते हैं समस्याओं का निदान? आज जो
आपने मेरे से सवाल किया है कि चारों सरकारों में से कौन सा काम कर सकती है। जब जो पशु हमारे खूंटे पर होता है हम उसी को पालने की कोशिश करते हैं, उसी को बेचने की कोशिश करते हैं और उसी में से दूध निकालने की कोशिश करते हैं। आज प्रेजेंट में बीजेपी पार्टी है, तो आज का सवाल मैं कांग्रेस से, बसपा से और सपा से नहीं कर सकता। मुझे जितना भी करना है, जो भी कहना है, जो भी बताना है, वो बीजेपी के बारे में बताना है, क्योंकि आज प्रेजेंट में बीजेपी पार्टी है, केंद्र में बैठी है और प्रदेश में बैठी है। बहुत बात होती है डबल इंजन, लेकिन डबल इंजन भी वीक अगर नज़र आ रहा है तो इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं, बहुत कारण हैं। मजदूर भी है, किसान के साथ मजदूर भी है, और मजदूर के साथ में एक और भी वर्ग है जो ना मजदूर है बेचारा और ना किसान है, जो मध्यम वर्ग है। इसलिए अब जो आज की डेट है बीजेपी की, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं बीजेपी के खिलाफ खुल के बोलूँगा, और क्यों नहीं बोलूँगा, किसानों के लिए जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि किसानों की आय हमने दुगनी कर दी, उनका जो पेमेंट था वो भी हमने दे दिया। जी, उन्होंने दुगनी से ऊपर करी है। हाँ। शायद अभी हमको जो किसान भाई हैं सबको पता है कि मक्का का जो रेट MSP में था वो 1600 कुछ था, और उन्होंने उसको करके 800 में बिचवा दिया, तो दूनी हो गई उनके लिए, दूनी हो गई, हमारे लिए आधी रह गई। ये तो आपने भी देखा है, सब मंडियों में सब किसानों ने देखा है। तो ये हुआ है हमारे साथ में, ये दूनी हुई है बीजेपी के लिए, महल बने बीजेपी के लिए, खेत खलिहान खरीदा गया है बीजेपी के लिए। अब आप एक चीज़ बताइए, किसान क्या करेगा? ज़मीन ये खरीद रहे हैं, रेल इन्होंने बेच दी, जहाज़ इन्होंने बेच दिया, ONGC इन्होंने बेच दी, BSNL इन्होंने बेच दिया, ये देश बेचने में लगे हुए हैं, ये किसान कहाँ छोड़ेंगे? किसान तो देश में कमाता है ना, ये तो विदेशों में भी कमाते हैं, इनके पास तो फंड, आज आप चेक करिए पूरी सरकारों के पास में, पार्टियों के पास में बाहर से फंड आता है। मेरे को तो गांव का भी जब उधार देगा, जब मेरे पास में खेत होगा, अगर मेरे पास में खेत नहीं होगा तो 2 बीघा खेत नहीं है तो आपको 2000 रुपया कर्जा भी नहीं मिलेगा। तो जो भी उधार हो रहा है वो तो सब बीजेपी का हो रहा है। अगर मान के चले आज की कोरोना रोए 20 लाख रुपये का सिस्टम इन्होंने दिया, 20 लाख रुपये में इन्होंने जो खर्चा किया कोरोना के ऊपर, 1,76,000 करोड़ करा, आप उसको बेशक सोशल मीडिया में देख सकते हैं। उसमें से मैं फौजी हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ, मेरा DA ख़त्म कर दिया, 86,000 करोड़ मात्र एक्स मैनों का खा गए, और बोलते हैं कि हमने 20,000 करोड़ दे दिया। तो बीजेपी से कोई भी जवाब आज बीजेपी के लिए दिया जाएगा, बाकी जो तीनों पार्टियाँ अगर उनके लिए हमको जवाब देते हैं तो हमारे खूंटा बंधे हुए नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमको किसको लाना है, हम उसको लाएंगे जिसको खूंटा से बांध सकें, ये तो बनते ही नहीं है। इस सरकारें तो देख ली, लेकिन फिर भी वाजिब तौर पर अगर बताया जाए कि कौन सी सरकार किसानों के बारे में थोड़ा सोच रही है या किसी के लिए अच्छा करके गई है, अगर इस बारे में बात करें। देखो ऐसा है, जब अखिलेश आए उन्होंने एक रोड बनाया, उसको सब लोग जान रहे हैं। जब मायावती आई तो उन्होंने एक रोड बनाया, स्कूल बनाए, उसे भी सब जान रहे हैं। कांग्रेस आई उसने, लेकिन बीजेपी का मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ ना, शायद अगर किसी की नॉलेज में आ जाए तो वो बता दे कि बीजेपी ने पूरे देश में कोई ऐसा एक फैक्ट्री लगाया हो या एक कोई ऐसी संस्था बनाई हो कि जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिला हो। अगर 10,000 लोगों को रोजगार का कल मेरे पास कोई क्लिप भेज दे तो मैं उस आदमी को और उस सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर एक भी रोजगार ही नहीं है, किसान के लिए कोई भी चीज़ ही नहीं है, किसी भी तरह से कोई चीज़ है नहीं, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस सरकार को? उस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये किसान संगठन राजनीति नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम राजनीति करेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अब बात अगर हम देखें कि जिस तरह से किसान नाराज है और लगातार आंदोलित है, उससे क्या लगता है कि सरकार किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है? आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, शायद सिटी में शहरों में पता नहीं होगा। जब मेरे पास में 2 बीघा ज़मीन होती है उसको मैं ये ताऊ जी को दे देता हूँ लीज पे, तो ये ताऊ जी मेरे को एक भुट्टा नहीं काट तोड़ने देते उसमें से, और एक गठरी घास नहीं लाने देते, सीधा गाँव की भाषा में। लेकिन अगर जो सरकार देना चाह रही है, जिसको कुछ लोग बोल रहे हैं यार हमारी समझ में नहीं आ रहा सरकार ने क्या बुरा करा है, जब कल को कोई हमारी ज़मीन लीज पे ले लेगा तो क्या करेगा, हमें खेत में धंसने देगा? और भाई हम नहीं देना चाह रहे, हमारी जमीन है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है भाई, तुम कौन हो भाई देने वाले?
अरे कोई चीज़ अगर मेरा मन है मैं अपनी बेचूंगा, अपनी रखूंगा, ये मेरा मन होना चाहिए। आप अपने आप बेचोगे, अपने आप उसको साइड में करोगे, ये कैसे हो सकता है? आप जो भी चीज़ है वो बीजेपी अपने लिए कर रही है। अजय जी, आपसे एक लास्ट सवाल कि आप प्रदेश अध्यक्ष आप बन गए हैं यूपी के, अब क्या रणनीति रहेगी पूरे प्रदेश में आपके संगठन के द्वारा? मेरे संगठन में यही रणनीति रहेगी भैया, मैं अपने किसान भाइयों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनको संगठन को आगे मजबूत करूँगा, मैं तो उसमें लगूँगा। समस्याओं को लेकर, समस्या तो बहुत सारी हैं, समस्या तो हमारे नौजवान साथी बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सबके लिए देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है। क्या उम्मीद रखते हैं आप संगठन से, क्योंकि आप भी आए हैं इसमें, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और उम्मीद ये है कि जो छोटे शोषित वंचित लोग हैं उनको हम आगे लेके बढ़ेंगे। किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, रोजगार की समस्या, गांव की समस्या, उनको हम हल कराने का प्रयास करेंगे और अपने संगठन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अन्य संगठन काम कर रहे हैं उनसे कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, राजनीतिक पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट करते हैं, यह एक संगठन को लेकर चल रहे हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में हम एक अपनी एक तरीके से जनजागरण यात्रा चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और शासन और प्रशासन में अपनी बात रखेंगे और मनवाएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वाकई अब संगठन आया है तो जो अभी तक बता रहे थे तहसील लेवल पर जो जहां तक सुनवाई नहीं होती है वहां संगठन काम करेगा, कारगर होगा? हमें सिर्फ संगठन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे यहां यमुना विकास प्राधिकरण या नोएडा विकास प्राधिकरण जो भी काम कर रहा है ये भू माफिया का काम कर रहा है। सारे भ्रष्टाचारी चोर बैठे हुए हैं, जो पहले थे वो जेल के अंदर चले गए और अब नए भ्रष्टाचारी आ गए हैं, ये सिर्फ एक भू माफिया का काम कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर के जो हमारी ग्राम सभा की ज़मीनें एक्वायर हुई थी आज उनको बेचने का काम हो रहा है। मैं कितने ही गांवों में आपको ये दिखा दूंगा कि यमुना प्राधिकरण और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं वो आज ज़मीनें दोबारा से बेच रहे हैं और आने वाले समय में वो दोबारा टूटेंगी, लेकिन उनसे कुछ पैसा लेकर के लोगों को बहका बरगला करके वो ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं जो कि ग्राम सभा की उन्होंने एक्वायर की थी। तो इसलिए मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि यमुना विकास प्राधिकरण और हमारे जो भी विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है जबकि हमारी जो ग्राम सभा की भूमि गई है उसके अरबों रुपए एक एक गांव के जमा हैं डीएम खाते में, गांवों में कोई विकास नहीं हो रहा है और ये लोग भू माफिया का काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो भारतीय किसान यूनियन कृषक जो शक्ति है उसके तमाम पदाधिकारियों को आपने सुना और उन्होंने जो बताया कि जो संगठन है वो तहसील लेवल पर जाकर किसानों की उन समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा जिनसे अभी तक कहीं ना कहीं किसान अछूता रहता था। एक और मेरे साथ हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप बताइए अब क्या लगता है कि जो उम्मीद है यहाँ से अब वो जगी है जो किसानों के अभी तक अनदेखी की जाती थी तहसील लेवल पर जिस तरह से बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब काम होगा? आपने सबसे पहले ये पूछा था कि ये किसान यूनियन कई खड़ी हुई हैं तो आपको खड़ी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि दो संगठन किसान यूनियन के नाम से काफ़ी संगठन बने हुए हैं तो आपका जो संगठन कुछ सरकार के पक्ष के संगठन है और कुछ सरकार के विपक्ष में है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो आपका कौन सा है? तो मेरा ये सवाल, हमारा संगठन न किसी सरकार से संबंधित है, हमारा संगठन सिर्फ किसानों से संबंधित है और हमारे संगठन की एक अपने आप में अलग छाप है। उनमें किसी भी संगठन में कृषक शक्ति नाम जैसी चीज़ नहीं लिखी हुई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो संगठन ये खड़ा किया है वो कृषक शक्ति के नाम से किसान यूनियन जरूर है लेकिन उसकी खासियत है कृषक शक्ति। हमें कृषकों के साथ रहना है, हमें सरकार के उसके साथ रहना है जो हमारे किसान भाइयों की बात सुनेगा, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर अमन ठाकुर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान कृषक शक्ति संघ के, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और जो लोग हैं उम्मीद जता रहे हैं कि वो किसानों के लिए बड़ा काम करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।
इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।